वैसे तो दोस्तों, आज के आधुनिक मनुष्य बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। वह शिकार करने वाले एक जीव से आज अंतरिक्ष में हमारे रहने के लिए ग्रहों ढूंढने वाला एक प्राणी बन चुका है। वह इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए लगातार मेहनत करता रहा है। वह जितना ब्रह्मांड की नई चीज़ें खोज रहा है, वह उतने ही नए सवालों से घिरता जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत व आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज से लगभग 400 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन यानी कि टकराव एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ होगा। इस टकराव के समय पृथ्वी के आकाश में सितारों का एक अनूठा व मनमोहक नज़ारा होगा, पर दुर्भाग्यवश उसे देखने के लिए शायद तब तक मानव सभ्यता बची नहीं होगी। इस टकराव से एक नई आकाशगंगा का जन्म होगा जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा या मिल्क्रोडोमेडा का नाम दिया है। दूसरा, रोग प्लैनेट्स। रोग प्लैनेट्स वैसे ग्रह होते हैं जिनका कोई तारा नहीं होता। यह ग्रह गैलेक्सीज की परिक्रमा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं यानी कि डायरेक्टली करते हैं। इन प्लैनेट्स को बंजर ग्रह, बिना तारे का ग्रह और आवारा ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी कि ग्रेविटेशनल पुल से बंधे नहीं होते और स्वतंत्र रूप से इस अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हाल ही में सैद्धांतिक रूप से माना गया सौरमंडल का एक प्राचीन व महाकाय ग्रह प्लैनेट 9 भी एक रॉक प्लैनेट है जिसे किसी कारणवश सौरमंडल की उत्पत्ति के समय बाहर धकेल दिया गया था। हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक रॉक प्लैनेट वाइस 0855 है जो हमसे 7 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। तीसरा, हमारा सूर्य इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक रेत के धूल बराबर है। वैसे तो हमारे सूर्य का व्यास धरती से लगभग 110 गुना ज़्यादा है और हमारे सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, पर फिर भी हमारे सूर्य इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक धूल बराबर ही है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी है। इस तारे में लगभग 5 खरब सूर्य समा सकते हैं और आपको सुनकर यह हैरानी होगी दोस्तों कि इस तारे का व्यास यानी कि डायमीटर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी से लगभग 16 गुना ज़्यादा है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह तारा कितना बड़ा होगा। चौथा, ब्लूटिस वाइट। ब्लूटिस वाइट ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी जगह है जो लगभग पूरी तरह से खाली या खोखली है। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में ज़्यादातर जगह खाली है, पर यह वॉइड खालीपन का एक महाकाय रूप ले लेता है। ब्लूटिस वॉइड 330 मिलियन प्रकाश वर्ष के इलाके में फैला हुआ है और यह हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक अवधारणा के आधार पर माना जाता है कि शायद किसी ब्लैक होल ने प्राचीन समय पर उस जगह पर मौजूद सारा पदार्थ निगल लिया था जिस कारण वहाँ पे इतना बड़ा वॉइड बन गया है। ऐसा नहीं है कि यह वॉइड बिल्कुल ही खाली है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आज तक 60 आकाशगंगाओं का पता लगाया है, पर एक अनुमान के आधार पर इस जगह पर तारों के साथ साथ कम से कम 2000 आकाशगंगाएं होनी चाहिए। पांचवा, हम कभी भी स्थिर नहीं होते, हम हमेशा ही गतिशील बने रहते हैं। हमारी धरती सूर्य की परिक्रमा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से कर रही है, वहीं हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा 220 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से कर रहा है। यहां तक कि हमारी पूरी गैलेक्सी भी पूरे ब्रह्मांड में 25 लाख की एक तेज रफ्तार से घूम रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड व एलियन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।